नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट फिफ्थ हमारी रनिंग में है और यूनिट फिफ्थ का ये लेक्चर सिक्स्थ है, जिसमें हम ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल उसकी दो थ्योरम कर चुके थे, तो ये तीसरी थ्योरम उसकी। तो इसमें क्या बोला गया है, वी कोई आईपीएस है और एस जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है वी का। अगर ये एस ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है वी का तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या क्या? एक तो ये जो एलिमेंट है इनका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट एक आएगा और खुद के अलावा बाकियों के साथ इनर प्रोडक्ट इसका जीरो होगा। क्रॉनिकल डेल्टा आईजे वाली कंडीशन है, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल की। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, स्मॉल वी कोई कैपिटल वी का एलिमेंट है तो यू इसने बना रखा है। अब ये यू बना कैसे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे आने वाले दौर में आपको खुद से यू बनाना पड़ेगा, इसमें तो इसने बना के रखा है, बाकी बनता कैसे है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कैसे बनेगा, ये जो U है ये इस V एलिमेंट के साथ बनता है, यानी V का जो एलिमेंट आपको दे रखा है वो V, उसमें से आपको माइनस करना है क्या, समेशन I इक्वल 1 टू N, और ये जो V आपको दे रखा है ना, इन सभी का, इन सब के साथ इनर प्रोडक्ट, तो V का V I के साथ, और यहां पे I 1 टू N है, ठीक है, ये जो V दे रखा है इनका, इन इसका इन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट इन टू V I, ये आपका U बनेगा, ठीक है। तो ये जो U है हमको प्रूव करना है, देन के बाद वाला हमको ये प्रूव करना है कि ये जो U बना ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए किसके, ईच VJ वेयर J फ्रॉम 1 टू N, J 1 से N तक है, ठीक है, ये प्रत्येक VJ के ऑर्थोगोनल होना चाहिए, कौन, U। इसका मतलब U का VJ के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे U VJ पे परपेंडिकुलर है या U VJ एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब ऑर्थोगोनल है, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है क्या, ये जो U है ये ऑर्थोगोनल है, किसके ऑर्थोगोनल है, जो V का सबस्पेस है जो कि S से जनरेट होगा उसके ऑर्थोगोनल आए U, ठीक है। तो ये तो बाद का काम है, पहले इसको समझते हैं। यहां पे U आपको दे रखा है, हमको प्रूव करना है कि जो U है वो VJ के ऑर्थोगोनल है। अगर U VJ के ऑर्थोगोनल है तो इनका इनर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, तो देखते हैं क्या आता है, U का VJ के साथ इनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, U की वैल्यू है आपके पास वो सब्स्टिट्यूट कर दो पहले, तो V माइनस समेशन I इक्वल 1 टू N V कोमा VI इंटू VJ VI इंटू VI, ठीक है, ये तो मैंने U की वैल्यू लिखी है कोमा VJ, मतलब इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट। अब कैसे फाइंड करें, तो पहले V का VJ के साथ इनर प्रोडक्ट लिखेंगे, V कोमा VJ, फिर माइनस ये पूरा स्केलर है 12 जाएगा, यानी समेशन I इक्वल 1 टू N V कोमा VI, ठीक है, इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट यानी VI कोमा VJ, V कोमा VJ, लाइट गई। तो यहां पे थे हम ना, V कोमा VJ माइनस माइनस समेशन I इक्वल 1 टू N V कोमा VI, और ये इनर प्रोडक्ट क्या देगा, VI कोमा VJ का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां से S आपको ऑर्थोनॉर्मल दे रखा है, अगर S ऑर्थोनॉर्मल दे रखा है तो ये क्या बनेगा, फिर क्रॉनिकल डेल्टा IJ बनेगा, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल की वजह से, तो मैंने लिखा क्रॉनिकल डेल्टा IJ। अब ये जो I वाला समेशन है ये जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो यहां पे एलिमेंट कितने हैं, N है, ठीक है, तो जैसे ही मैं I की वैल्यू को J की इक्वल लूंगा, तो जैसे ही I की वैल्यू को J की इक्वल लूंगा तो ये तो वन बन जाएगा, ठीक है, सेम इंडेक्स पे ये वन बन जाएगा और बाकियों पे जो प्रोडक्ट था वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, कब, जब I इक्वल J लेंगे तब, तो V कोमा VJ इस समेशन को मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है, तो V कोमा VI, लेकिन I को हम J ले रहे हैं ना, तो V कोमा VJ, जब I इक्वल J के बराबर आएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये VJ बन जाएगा, V कोमा VJ हो जाएगा, और बाकी वैल्यू पे क्या रिजल्ट आएगा, जीरो आएगा क्रॉनिकल डेल्टा का, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों सेम है, क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। U कोमा VJ मतलब U का VJ के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट इज U VJ के ऑर्थोगोनल है, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। अब जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं, तो सेकंड पार्ट में आपको बोल रखा है कि जो ये U है ना,
ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए। किसके ऑर्थोगोनल होना चाहिए? जो वी का जो भी सबस्पेस बनेगा, जो कि एस से जनरेट होगा, उसके साथ ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए यू। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। तो मैं V का कोई सब स्पेस लेट कर लेता हूं W, जो कि S से जनरेट हो रहा है। लेट W बी सब स्पेस ऑफ V विच जनरेटेड बाय S। S से जनरेट हो रहा है W, है ना? तो कैसे लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ऐसे V का कोई सब स्पेस जनरेट हो रहा है W, तो W को हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, S को वो जो इनर प्रोडक्ट का सिंबल था उसके अंदर लिखना है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि W S से स्पान हो रहा है। इसका मतलब W का हर एक एलिमेंट S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। S के मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं कोई भी एलिमेंट लेट करता हूं, लेट W बिलोंग्स टू W, यहां का मैंने एलिमेंट ले लिया। ठीक है, देन अब मैं इसका कलर ले रहा हूं, स्केलर्स अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन बिलोंग्स टू R सच दैट W का हर एक एलिमेंट S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अप टू अल्फा एन वी एन। ठीक है, इसको मैं समेशन फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। समेशन I तो हमने ऊपर ले लिया था, यहाँ पे हम J इंडेक्स ले लेते हैं, J इक्वल वन टू एन अल्फा J वी J, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, जो U है वो इस W के ऑर्थोगोनल आए, मतलब W के हर एक एलिमेंट के ऑर्थोगोनल आए। तो मैंने W का एलिमेंट ले लिया स्मॉल W, तो U और इस W के एलिमेंट स्मॉल W का जब हम इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। अब मैं रफ कर रहा हूं ऊपर का, U का W के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो U कोमा W की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, समेशन J इक्वल वन टू एन अल्फा J वी J। ठीक है, ओके, ये कांस्टेंट जो इसका लर उसको हम बाहर लिख सकते हैं, समेशन J इक्वल वन टू एन अल्फा J को, अंदर क्या बचा U कोमा वी J। ठीक है, और U का VJ के साथ इनर प्रोडक्ट अभी हमने फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में, क्या आया था, जीरो आया था। तो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये पूरा क्या आ गया, जीरो आ गया, एज U कोमा VJ का इनर प्रोडक्ट जीरो था। उस वजह से जो आपका U और W जो एलिमेंट था W का, उनका इनर प्रोडक्ट जीरो आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, जो U है वो W के ऑर्थोगोनल है, दैट इज U इज ऑर्थोगोनल टू W। अब W के कोई भी एलिमेंट हो सकता था ये, तो पूरे W के साथ भी ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल। हेंस U इज ऑर्थोगोनल टू W विच इज जनरेटेड बाई S। तो S से जनरेट होने वाला जो V का सबस्पेस है W, उसके U ऑर्थोगोनल होगा, यही हमको प्रूव करना था। तो ये थी आपकी थ्योरम, अब नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।